थोड़े दिनों पहले एक घटना काफी वायरल हुई थी शादी की, जिसमें एक आईएएस अफसर पूरे पुलिस बल के साथ में एक शादी में जाता है और वहां एक कोहराम मचा देता है। लेकिन एक घटना हम आपको राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा की बता रहे हैं, और ऐसा बहुत कम होता है कि किसी घटना के पहले पुलिस पहुंच जाए और कोई घटना ही ना हो, क्योंकि पुलिस पहले से मौजूद हो और वो घटना होने से पूरी तरीके से रोक सके। ऐसा ही हुआ बांसवाड़ा के तलवाड़ा में। राजस्थान सरकार कोरोना काल में होने वाली शादियों को लेकर काफ़ी सख्त नज़र आ रही है और ज़्यादातर वो आग्रह कर रही है कि आप शादी ऐसे माहौल में मत करो। मेहमानों को लेके भी काफ़ी गाइडलाइन जारी हो चुकी है, मुस्तैद भी है, पुलिस को भी पूरी तरीके से निर्देश दिए जा चुके हैं, पुलिस भी मुस्तैद है, और बाद में कहीं रंग में भंग न हो इसलिए बांसवाड़ा में तलवाड़ा की पुलिस ने एक नया काम किया। और वो नया काम का क्या किया कि शादी से पहले ही उसने मोर्चा संभाल लिया और भीड़ इकट्ठा ही नहीं होने दी। तलवाड़ा के कोहाला गांव में शुक्रवार देर रात उस समय ये घटना चर्चा का विषय बन गई, जब बारात से पहले पुलिस और प्रशासन यहाँ बाराती बनकर आग धमके। बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की आशंकाओं के बीच यह पुलिस प्रशासन हमले में मोर्चा संभाल लिया। बारात आने के पहले मौके पर लगे पांडाल एवं भीड़ जुटाने वाले अन्य माध्यमों को जब्त कर लिया। केवल परिजनों के बीच ही यहां शादी की रस्म पूरी हुई, पिता के घर से बेटी की विदाई हुई। पूरे विवाह कार्यक्रम के दौरान पुलिस साय की तरह परिजनों के बीच में मौजूद रही। दरअसल मामला तलवाड़ा क्षेत्र के कोहाला गांव का है। यहां लक्ष्मण प्रजापत की बेटी का विवाह होना था। रात में जगमग रोशनी में मंडप सजा था और पंडाल में लोगों के बैठने की भी सुविधा थी। करीब 3 घंटे बाद बारात पहुंचने पर भीड़ जुटने की आशंका जन्म भी ले रही थी। ठीक उसी समय सूचना पर उपखंड अधिकारी पर्वत सिंह चुंडावत, ASP कैलाश साधु, मैं जापता बारात पहुंचने के पहले वो मौके पर पहुंच गए। पुलिस बल ने पहुंचते ही कार्रवाई की और पंडाल से लेकर अन्य सामग्री जब्त की। साथ ही बेटी के पिता को रात 12 बजे तक बारात का इंतज़ार नहीं करने की नसीहत दी। इसकी पालना में रात करीब 10 बजे ही बारात में दूल्हे के परिजन पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां करीब 1 घंटे में विवाह की रस्म पूरी कर दी गई। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में राजस्व कर्मचारी भी मौजूद थे। बिना देर लगाए विदाई और शादी की रस्म पूरी होते ही प्रशासनिक प्रयासों के तहत बेटी की विदाई भी तय हो गई। विदाई की बेला में पिता पुत्र की आंखों भी भराई। तभी प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मजबूरी बताते हुए बेटी और दूल्हे को आशीर्वाद देकर रवाना कर दिया। इससे पहले बारात के तौर पर दूल्हे के साथ करीब 7 लोग मौके पर पहुंचे थे, जबकि बेटी के परिवार में भी इतने ही लोगों ने शिरकत की थी। आपको बता दें कि यहां पर बारात और परिवार से अधिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। परिवार के तौर पर स्थानीय सरपंच और उप सरपंच ने भी जिम्मेदारी निभाई और मजबूरी बताते हुए शादी वाले परिवार को भी रस्म समय पर पूरी करने के लिए चेताते रहे। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।